हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल नीटिंग कोरस। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो फैंसी हाफ जैकेट को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है, आज इस जैकेट की मैं ऊन और हेल्थ के अनुसार मेजरमेंट बताऊंगी कि कौन सी ऊन में कितनी हेल्थ के लिए कितने फंदे लेकर इस जैकेट को बनाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो जैकेट है ये मैंने इस 3-ply वाली ऊन से बनाई है। ये देख लीजिएगा, 3-ply वाली जो ऊन होती है वो हमारी इस तरह से होती है, इसमें 3 तार होते हैं। ये मैंने ओसवाल की ऊन ली हुई है, आपकी किसी भी कंपनी की हो सकती है। तो इस ऊन से इसमें मैंने 115 फंदे इसके बैक पार्ट में लिए हुए हैं। अगर आप सेम जैकेट मीडियम साइज की इस 3-ply वाली ऊन से बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 99 या 101 फंदे डाल लीजिए। अगर आप 99 फंदे लेती हैं तो जैसे मैंने इस बॉर्डर डिजाइन को बनाना सिखाया है सेम ही बना लीजिए। अगर आप 101 फंदे लेती हैं तो पहले आप एक फंदा उल्टा बना लीजिए, फिर सेम इस डिजाइन को एडजस्ट करते जाइएगा, लास्ट में आपका एक फंदा उल्टा आ जाएगा। अगर आप ये देखिएगा, ये वाली हमारी नॉर्मल ऊन होती है, इस ऊन से मीडियम साइज की जैकेट बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 107 फंदे डाल लीजिएगा। 107 फंदे डालने के बाद पहले आप 4 फंदे बैक पार्ट में उल्टे बुन लीजिएगा। फिर जैसे मैंने ये बॉर्डर डिजाइन बनाना सिखाया है, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद सेम ही उसको बनाते जाइए, लास्ट में आपके 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे। तो इस तरीके से इसका ये बॉर्डर डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा दोनों तरह की ऊन में। बॉर्डर के बाद हमने इस डिजाइन को अप्लाई किया हुआ है। ऊपर वाले डिजाइन को अप्लाई करने के लिए अगर आपको 1 या 2 फंदा इसमें कम करना पड़े तो आप कर सकती हैं। अगर आपका डिजाइन बिना फंदे कम किए एडजस्ट हो जाता है तो इसमें फंदे कम करना जरूरी नहीं होता है। तो आप इस डिजाइन को बनाने के बाद ऊपर वाले डिजाइन के लिए फंदे का हिसाब लगाकर देख लीजिएगा, अगर एडजस्ट हो जाए तो फंदे कम मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, ये देखिएगा, फिर यहाँ पर इसके बैक पार्ट में मैंने इस साइज के लिए और एक्सेल साइज दोनों को ये आएगी, इसमें मैंने इसके बैक पार्ट में 10 फंदे कम किए हुए हैं। मीडियम साइज के लिए आप सिर्फ 6 से 7 फंदे ही इसके बैक पार्ट में कम कीजिएगा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से आपने इसको बनाना है। फिर आ जाइएगा इसकी आर्म होल की कटिंग। इस 3-ply वाली ऊन में मैंने इसको बनाया हुआ है, तो जो हम कटिंग करेंगे वो चाहे 3-ply वाली ऊन में हो या फिर नॉर्मल ऊन में हो, यहाँ की कटिंग सेम ही फंदे से होगी। मीडियम साइज के लिए यहाँ पर देखिए, मैंने 16 फंदे की कटिंग की हुई है, तो मीडियम साइज के लिए आप सिर्फ 12 फंदे की यहाँ पर कटिंग कीजिए। 4 बार 2-2 फंदे की कीजिए और 4 बार 1-1 फंदे की कटिंग कीजिए। और यहाँ पर मैंने 12 फंदे डाले हुए हैं तो आप इसमें 10 या 11 फंदे ही डाल लीजिएगा, तो आपका जो मीडियम साइज है वो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा। और यहाँ की जो कटिंग मैंने आपको गले की बताई है ये आपकी बिल्कुल सेम ही होगी। और जैसे मैंने इस डिजाइन को एडजस्ट करना बताया है, अगर आपके यहाँ पर इतने फंदे हों इस डिजाइन को एडजस्ट करने के लिए तो इस तरीके से कीजिएगा। अगर फंदे कम पड़ रहे हों तो इधर वाली साइड के डिजाइन को एडजस्ट मत कीजिएगा, पट्टी वाला जो डिजाइन है इसके साथ साथ ये आपका ऊपर तक चलता जाएगा। और यहाँ पर ये डिजाइन नहीं बनेगा तो जो ये नीचे डिजाइन है इसी को आप ऊपर तक बुन सकती हैं, घटाई उसमें भी आपको इस डिजाइन के यहाँ से ही करनी है। तो ये तो हो गया हमारा। अब देखिएगा, इसमें मैंने यहाँ पर पट्टी के इधर के फंदे और इस शोल्डर वाली पट्टी के फंदे इधर के छोड़ के बीच में 23 फंदे मैंने इसके रखे हुए हैं। तो एल, एक्सल और मीडियम इन तीनों साइज के लिए इतने ही फंदे शोल्डर के काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मीडियम साइज़ के लिए अगर आपके 21 भी बच जाते हैं तो भी आपके बहुत हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स इसके जो है मीडियम साइज़ के लिए। अब आ जाइएगा इसकी एल और एक्सल साइज के लिए। अब एल और एक्सल साइज की ये जो जैकेट आप इस 3-ply वाली ऊन से बनाना चाहती हैं तो इस ऊन के लिए आप इसे बिल्कुल सेम टू सेम बना सकती हैं। लेकिन अगर आप इस वाली ऊन से, देखिए ये हमारी नॉर्मल ऊन होती है, चाहे ये आपकी वर्धमान की, रैबिट की, गंगा की, ओसवाल की, किसी भी कंपनी की हो सकती है, इस तरह की ऊन से ये सेम जैकेट बनाना चाहती हैं तो आप इस ऊन से इसमें 121 फंदे डाल लीजिएगा।
121 फंदे में आपको क्या करना है, तीन तीन फंदे दोनों साइड में पहले आपने उल्टे बुन लेने हैं। ये जो बॉर्डर इसमें आप एडजस्ट करेंगी बैक पार्ट में, देखिएगा ये वाला, तो पहले तीन फंदे उल्टे बनाइए और फिर जैसे मैंने ये बॉर्डर बनाना बताया हुआ है सेम ही तरीके से आप बॉर्डर को बनाते जाइएगा। लास्ट में आपके ऑटोमेटिक तीन फंदे उल्टे बच जाएंगे। ऊपर वाले डिजाइन के लिए फिर से मैं आपको बता रही हूँ, ऊपर वाला जब हम डिजाइन एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करते टाइम अगर दो तीन चार फंदे हमारे एक्स्ट्रा हों तो, क्योंकि ये डिजाइन थोड़ा सा फैलने वाला है, अगर हम तीन चार फंदे कम भी कर देते हैं तो भी इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं आता है, तो आप कम कर सकती हैं। और अगर आपका बिल्कुल ऐसे ही उन फंदे में एडजस्ट हो जाता है तो आपको फंदे कम करना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया है आपका एल और एक्सएल साइज के लिए। और यहाँ पर जो हमने फंदे कम किए हैं वो आपको, चाहे आपकी प्लाई वाली ऊन हो चाहे आपकी वर्तमान की हो, 10 ही फंदे बैक पार्ट में आपने कम करने हैं। फ्रंट में सेम जैसे मैंने बताया है, दोनों तरह की ऊन में सेम ही करना है। और यहाँ की जो कटिंग है ये दोनों तरह की ऊन में एल और एक्सएल साइज के लिए सेम ही आपने कटिंग करनी है, ठीक इसी तरीके से आपने इसको एडजस्ट करना है। अब आ जाइएगा फ्रेंड डबल एक्सएल साइज के लिए। अगर आप डबल एक्सल साइज के लिए सेम जैकेट इस थ्री प्लाई वाली ऊन से बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 121 फंदे डाल लीजिएगा। 121 फंदे में ठीक वही करना है, तीन फंदे पहले उल्टे बनाने हैं, फिर ठीक जैसे मैंने ये डिजाइन बनाना बताया इस डिजाइन को आप बनाते जाइएगा। लास्ट में आपके तीन फंदे बचेंगे, उनको आपने साइड में उल्टा बुन लेना है। तो इस तरीके से आपका ये बॉर्डर डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप ये देखिएगा ये वाली इस नॉर्मल ऊन से डबल एक्सल साइज के लिए बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 131 फंदे डाल लीजिएगा। 131 फंदे में आपका ठीक ऐसे ही ये बॉर्डर डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा, कोई भी फंदा आपको उल्टा नहीं बुनना है, ठीक ऐसे ही आपका ये बॉर्डर डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर वाले डिजाइन के लिए आपको वही करना है, ऊपर वाले डिजाइन को एडजस्ट करते टाइम अगर दो तीन फंदे चार फंदे आपको कम करने पड़ रहे हो तो आप कर सकती हैं, अगर आपका एडजस्ट हो रहा हो तो आप एडजस्ट कर सकती हैं। इसके ऊपर आपने वही 10 फंदे डबल एक्सल साइज के लिए बैक पार्ट में घटा देने हैं और फ्रंट में जैसे मैंने आपको बताया हुआ है उसी तरीके से घटा देना है। और यहाँ आर्म होल की जो कटिंग है ये भी डबल एक्सल साइज के लिए दोनों तरह की ऊन में बिल्कुल सेम ही करनी है और यहाँ की कटिंग भी आपकी सेम ही हो जाएगी। शोल्डर पर डबल एक्सल साइज के लिए आप यहाँ पर बीच में जो है यहाँ साइड में रख सकती हैं दो फंदे इधर, और इधर का आपका ऐसे ही चलेगा। इसमें मैंने 23 फंदे छोड़े हुए हैं, आप यहाँ पर 25 फंदे रख सकती हैं। और 25 फंदे जो छोड़ेंगी, देखिएगा यहाँ पर ये जो बॉर्डर पट्टी के हमारे फंदे हैं इसके साथ साथ हमारा डिजाइन चल रहा है, इसके और इसके बीच में दो फंदे आप यहाँ की कटाई के बाद उल्टे उल्टे बुन सकती हैं, तो वो आपके यहाँ एंड तक उल्टे उल्टे चलते चले जाएंगे। तो इस पट्टी के और इस पट्टी के बीच में डबल एक्सल साइज के लिए दोनों ही तरह की ऊन में आपके यहाँ पर बीच में 25 फंदे होने चाहिए, तो आपका जो साइज है बिल्कुल परफेक्ट साइज बन जाएगा। अब आ जाइएगा फ्रेंड्स इसके लिए जो है ट्रिपल एक्सल साइज, जो कि बहुत बड़ा साइज होता है। अगर आप ट्रिपल एक्सल साइज का इसी तरह से जैकेट बनाना चाहती हैं और इस ऊन में बनाना चाहती हैं, ये जो प्लाई वाली होती है इस ऊन में, इसके बैक पार्ट में आप 135 फंदे डाल लीजिएगा। 135 फंदे में आपको क्या करना है, दो फंदे इधर उल्टे बना लेने हैं, फिर ये जो बॉर्डर डिजाइन है इसको इसी तरीके से एडजस्ट करते जाइएगा, लास्ट में आपके दो फंदे उल्टे बचेंगे उनको बना लीजिएगा, तो आपका ये बॉर्डर डिजाइन 135 फंदे में इस तरीके से एडजस्ट होगा। ऊपर वाले डिजाइन का आप हिसाब लगाकर देखिएगा 12 के मल्टीपल फंदे करके, जो मैंने चार फंदे एक्स्ट्रा बताए हुए हैं उसी तरीके से आप इसका हिसाब लगा लीजिए, अगर कुछ फंदे कम करने पड़े तो कर लीजिए, अगर नहीं करने पड़े तो उसमें आप उसको एडजस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने जो इसमें फंदे घटाए हुए हैं आप इसके बैक पार्ट में 12 फंदे घटा दीजिएगा, फ्रंट में आप उसका हाफ हाफ करके इसी तरीके से घटाइए जैसे मैंने बताया हुआ है। यहाँ की आर्म होल की जो कटिंग है ये आपकी ट्रिपल एक्सल साइज के लिए भी 16 फंदे की ही काफ़ी है।
उसके लिए आपको शोल्डर पे जो है, क्योंकि जिसका ट्रिपल एक्सल साइज होता है उसके शोल्डर भी थोड़े से बड़े होते हैं, तो यहाँ पर डबल एक्सल के लिए 25 रखने हैं। और ट्रिपल एक्सल साइज के लिए आप यहाँ पर ऊन चाहे आपकी ये वाली हो चाहे आपकी नॉर्मल हो, 27 फंदे बीच में रख लीजिएगा, बाकी के इधर के पट्टी के हो जाएंगे और इधर के पट्टी के हो जाएंगे। 27 फंदे में देखिएगा, अगर ये बीच वाला डिजाइन इसी तरीके से एडजस्ट हो रहा है तो 4 फंदे आप ये वाले, जैसा ये वाला डिजाइन चल रहा है ठीक इसी डिजाइन को चलाते जाइएगा इस वाली पट्टी के साथ साथ, ताकि यहाँ पर क्योंकि 4 फंदे अगर हम उल्टे उल्टे बनते हैं तो इसकी लुक यहाँ से खराब हो जाएगी। तो ये वाला जो डिजाइन है सेम इसी डिजाइन को बनाते जाइएगा यहाँ से और यहाँ तक 4 फंदे, तो यानी 23 फंदे में ये दो पैटर्न एडजस्ट हो जाएंगे, 4 फंदे हमने इस डिजाइन के इसके साथ साथ बुन लेने हैं। तो 27 फंदे इस पट्टी के और इस पट्टी के बीच में शोल्डर के लिए ट्रिपल एक्सल साइज के लिए हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसमें आपको एडजस्ट करना है। अब आ जाइएगा फ्रेंड, देखिएगा इस वाली ऊन में, अगर इस ऊन से आप ट्रिपल एक्सल साइज के लिए बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो ऊन होती है इसमें स्ट्रेचेबल बहुत कम होता है और ये वाली जो ऊन होती है ये बनने के बाद बहुत ही सॉफ्ट बनती है और इसमें जो स्ट्रेचेबल बनता है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इस ऊन से ट्रिपल एक्सल साइज यानी फ्री साइज बनाना चाहती हैं तो आप इसके बैक पार्ट में 147 फंदे डाल लीजिएगा। 147 फंदे में ये जो बॉर्डर डिजाइन मैंने इस साइज के लिए बनाकर दिखाया है सेम ही एडजस्ट हो जाएगा, ना इधर ज़्यादा फंदे हैं ना इधर ज़्यादा हैं, सेम एडजस्ट हो जाएगा। ऊपर वाले डिजाइन के लिए आपको वही करना पड़ेगा, एक दो फंदे की अगर कम करना पड़े तो कम कर लीजिए, बढ़ाना नहीं है क्योंकि इस डिजाइन के लिए हम बढ़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऊपर वाला डिजाइन ऑलरेडी स्ट्रेचेबल है। अगर हम इसमें फंदे बढ़ा देते हैं तो बॉर्डर के हिसाब से ऊपर वाले पार्ट की चौड़ाई ज़्यादा लगने लग जाएगी, तो बढ़ाना नहीं है, कम करना पड़े तो कर सकती हैं। और यहाँ से ये जो घटाई है ये आप सेम कीजिएगा और बाकी सब आपकी मेजरमेंट बराबर ही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप इस जैकेट को मीडियम साइज से लेकर ट्रिपल एक्सल साइज के लिए इस नॉर्मल ऊन और 3 प्लाई वाली ऊन में फंदे लेकर बना सकती हैं। अब इस ऊन से बनाना हो तो आप बॉर्डर से लेकर लास्ट तक 9 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा, और अगर आप इस वाली ऊन से बनाना चाहती हैं तो बॉर्डर से लेकर लास्ट तक आप इसमें 10 नंबर की सिलाई यूज कीजिएगा। इसमें हमें जो है सिलाई चेंज नहीं करनी पड़ती है, जैकेट और कार्डिगन के लिए हमें बॉर्डर से लेकर लास्ट तक एक ही सिलाई रखनी होती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।